नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। और इसका जो है प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया था हेनरी के नियम के बारे में, यानी कि हम लोगों ने गैस द्रव सॉल्यूशन के बारे में वहाँ पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रव द्रव विलयन के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, द्रव द्रव विलयन के बारे में यानी कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो द्रव द्रव विलयन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो विलयन जो है, हम लोग द्विआंगी विलयन पढ़ रहे हैं क्योंकि यही हम लोगों के सिलेबस में है और इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। तो द्विआंगी मतलब कि दो अवयव, एक विलेय और एक विलायक, एक विलेय और एक विलायक मिलते हैं तो द्विआंगी विलयन बनता है। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन क्या, तो विलयन और विलयन में दो अवयव है, एक है विलेय और दूसरा है क्या, विलायक। विलायक, विलेय और विलायक। और यहाँ पर विलेय भी लिक्विड होगा और विलायक भी लिक्विड होगा, जैसे कि एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जो है विलेय है, विलेय है, और जल यानी कि H2O क्या है, तो विलायक है, विलायक है। और दोनों के मिश्रण से बनेगा क्या, तो विलयन। और ये भी क्या होगा, दोनों लिक्विड हैं, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, तो विलयन भी कैसा होगा, लिक्विड विलयन। और इसी विलयन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, लिक्विड विलयन के बारे में। तो यहाँ पे जो है हम एक टर्म यूज करेंगे इसे पढ़ने से पहले, जो द्रव द्रव विलयन है इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म यूज करेंगे जो होगा वाष्प दाब। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। इसे यदि हम लोग अच्छे से जान लें तो आगे चल करके हमें इसी लेसन में मिलने वाला है अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी। और अणुसंख्य गुणधर्म में वाष्प दाब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और अणुसंख्य गुणधर्म को समझने के लिए जो है बहुत ही आसानी होगा जब हम वाष्प दाब को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं विलयन जो है द्विआंगी विलयन है ए बी, ठीक। तो इसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। दोनों क्या होंगे, तो लिक्विड होंगे। दोनों क्या होंगे, तो लिक्विड होंगे, यानी कि लिक्विड लिक्विड मिलेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव द्रव विलयन के बारे में। यानी कि हम लोगों का ये जो विलयन होगा वो क्या होगा, तो लिक्विड होगा। क्या होगा, तो लिक्विड होगा। जो ये विलयन होगा क्या होगा, तो लिक्विड होगा। अब देखिए, ये विलयन हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक वीकर लेते हैं और वीकर में हम लोगों ने जो है ए वी विलयन लिया। ये क्या है, तो विलयन है, विलयन है। उसके बाद से इसको जो है ऊपर से तस्तरी की सहायता से या किसी बर्तन की सहायता से जो है हम क्या करें, ढक लें, और नीचे से वर्नर की सहायता से गर्म करें। वर्नर की सहायता से क्या करें, तो गर्म करें। तो गर्म करेंगे तो इसमें जो है वाष्प के कारण, ताप के कारण, ताप के कारण क्या होगा कि ये द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। लेकिन
ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे जो है ढका गया है तर्शरी के द्वारा, तो ये जो है इस पर दाब आरोपित करेंगे जिसके द्वारा कि फिर से ये जो वाष्प के अणु हैं फिर से दाब के कारण नीचे आएंगे और ध्रुव पर दाब आरोपित करेंगे। क्या आरोपित करेंगे? तो दाब, यानी कि यह किसके कारण हो रहा है? तो वाष्प के कारण, वाष्प के कारण। तब हम इसे समझ लेते हैं, हम लोग जो है पहले ही जाने हैं कि जब ध्रुव वाष्प में परिवर्तित होता है, ठीक, यहाँ पे गर्म किया गया तो ध्रुव के कण किस में परिवर्तित हुए? वाष्प में परिवर्तित हुए। और जब ध्रुव वाष्प में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को बोला जाता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और जब दाब आरोपित होगा तो जो वाष्प के कण है वह किस पर? इस ध्रुव के कणों पर दाब आरोपित करेंगे, जिस कारण कि ये वाष्प के जो कण है ध्रुव में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि दाब के कारण ये जो वाष्प है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? ध्रुव में, पहले भी बताया गया। या हम किसी भी वाष्प को ठंडा करें, ठंडा करें तो भी वह ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को बोला जाता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो संघनन कहेंगे, संघनन। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, तो ध्रुव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है और वाष्प का ध्रुव का फिर से एक मिनट, ये जो है क्या हो रहा है, तो ध्रुव का फिर से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अब जो है क्या होगा कि वाष्पीकरण के बाद, वाष्पीकरण के बाद ये जो वाष्प के कण हैं वो दाब आरोपित कर रहे हैं किस पर? तो ध्रुव के कणों पर। यानी कि ध्रुव जो है क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो वाष्प है, वाष्प है इस पर जो है यह ध्रुव में परिवर्तित हो रहा है। इस क्रिया को बोला जाता है संघनन। क्या कहा जाता है? तो संघनन कहा जाता है, यानी कि कंडेंसेशन बोला जाता है इसे। यहाँ पे क्या हुआ कि वाष्प जो है ध्रुव में परिवर्तित हुआ। अब दो क्रियाएं हो रही हैं, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की और संघनन की, संघनन की। वाष्पीकरण मतलब कि ध्रुव का वाष्प में परिवर्तन और संघनन यानी कि वाष्प का ध्रुव में परिवर्तन। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों के बीच साम्यावस्था हो जाएगा। मतलब क्या, वाष्प जितना दाब आरोपित करेगा उतना ही दाब जो है ध्रुव के कण भी आरोपित करेंगे। अब जो है वाष्प ध्रुव के कणों पर साम्यावस्था पर जो दाब आरोपित करता है, यानी कि साम्यावस्था पर वाष्प के कणों द्वारा ध्रुव की सतह पर जो दाब आरोपित होता है उसी को बोला जाता है वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर। यानी कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था में वाष्प के कणों द्वारा, वाष्प के कणों द्वारा ध्रुव की सतह पर, ध्रुव की सतह पर आरोपित दाब, आरोपित दाब जो है क्या कहलाता है? तो वाष्प दाब कहलाता है। आरोपित दाब क्या कहलाता है? तो वाष्प दाब कहलाता है। क्या मतलब कि ध्रुव की सतह पर साम्यावस्था में वाष्प के कणों द्वारा आरोपित, ये जो ध्रुव की सतह है इस पर जो है वाष्प के कणों द्वारा जो आरोपित दाब है, जो प्रेशर है, उसी को जो है बोला जाता है क्या? वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर, वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। क्या मतलब कि वाष्प के जो कण हैं, वाष्प के कण कहाँ पे? तो ध्रुव की सतह पर, ध्रुव की सतह पर
क्या कर रहे हैं? तो दाब आरोपित कर रहे हैं। इसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, ये बातें जो है आप समझ लिए कि बिलयन है, बिलयन को यदि हम गर्म करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन है, यहाँ पे दोनों लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है, गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा, लेकिन वाष्प के कण फिर जो है इसी द्रव के कण पर जो है दाब आरोपित करेंगे, और इसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। इसी दाब को कहा जाता है क्या? वाष्प दाब। और वाष्प दाब को जो है पी नॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पी का पावर 0 लगा दीजिए, इसी को बोला जाता है पी नॉट। और वाष्प दाब को जो है पी नॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब जो है हम लोग समझेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्प दाब हम लोग जान लिए, अब जो है हम लोग जानेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। चलिए इसे मिटाते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से कारक है जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे द्रव की प्रकृति, मतलब कि वह द्रव किस प्रकृति का है, यानी कि द्रव के कणों के मध्य अधिक आकर्षण बल लग रहा है या कम, यानी कि कण अधिक आकर्षित है या कम आकर्षित है। तो इसके बारे में जैसे कि हम लोगों ने जाना है विलयन के बारे में, एक विलयन है कैसा, तो ए बी विलयन है और इसमें जो है ए विलेय है, ए क्या है तो विलेय है, और बी जो है क्या है तो विलायक है। ए विलेय है और बी क्या है तो विलायक है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। और हम लोग यही पढ़ रहे हैं द्रव द्रव विलयन के बारे में। ठीक, तो दोनों क्या है तो लिक्विड है। अब जो है यदि दोनों के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण हो, दोनों के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल हो, यानी कि दोनों प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या हुए हो, बंधे हुए हो, यानी कि मतलब क्या ए व बी क्या हो, तो इनमें जो है आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या हो, स्ट्रांग हो, प्रबल हो, प्रबल हो यानी कि स्ट्रांग हो, तब इस परिस्थिति में क्या होगा, तो जब स्ट्रांग होगा तो उसका वाष्प दाब कम होगा, यानी कि उसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस परिस्थिति में जो है क्या होगा, ऐसे विलयन का वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब क्या होगा तो कम होगा, क्या मतलब कि यदि ए और बी, ए विलायक है और बी, ए विलेय है और बी विलायक है, दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बल हो, यानी कि दोनों कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हों विलेय और विलायक का, यानी कि उनको जो है हटाने के लिए, उनको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए अधिक जो है ताप की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इस कारण जो है उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि विलयन के कणों के मध्य जितना अधिक आकर्षण बल उतना ही कम उसका वाष्प दाब होगा। उसके बाद से यदि ए और बी के बीच आकर्षण बल क्या हो, दुर्बल हो,
दुर्बल यानी कि वीक दुर्बल हो तो उसका जो वाष्प दाब क्या होगा तो अधिक होगा, यानी कि ऐसे कणों को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो है क्या होगी कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तब हम लोग क्या कहें तो यदि विलेय एवं विलायक के बीच प्रबल आकर्षण बल हो यानी कि प्रबल बंध से बंधे हो तो वाष्प दाब क्या होगा कम होगा। दूसरी बात कि यदि विलेय एवं विलायक के बीच दुर्बल क्या हो दुर्बल आकर्षण बल हो यानी कि उनके जो कण है दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हो तो उनके बीच जो ये वाष्प दाब होगा उस विलयन का वाष्प दाब जो होगा वह क्या होगा तो अधिक होगा। यानी कि इसी को हम यहाँ पर प्रदर्शित भी कर दिए तो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है यानी कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल है कि दुर्बल। प्रबल है तो उसका वाष्प दाब कम होगा और यदि दुर्बल है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। ये बातें जो है याद रखनी है। अब जो है दूसरा जानेंगे ताप का प्रभाव, यहीं पे जान लेते हैं। दूसरा जो होगा क्या ताप का प्रभाव यानी कि जो द्रव द्रव विलयन है उस पर जो है ताप का क्या प्रभाव प्रभावित होगा। देखिए यदि हम क्या करते हैं गर्म करते हैं यानी कि तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव जो है द्रव विलयन है किस में परिवर्तित हो जाता है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है यानी कि उसका वाष्पीकरण हो जाता है जिस कारण कि उसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर जो है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है बढ़ जाता है। क्या मतलब कि यहाँ पे जो है ये विलयन है ये जो है विलयन है यदि हम इसको गर्म करते हैं क्या करते हैं तो गर्म करते हैं तो इस परिस्थिति में क्या होगा तो ये अधिक मात्रा में किस में परिवर्तित हो जाएंगे वाष्प में परिवर्तित होंगे। जितने अधिक वाष्प में परिवर्तित होंगे उतने ही दाब अधिक आरोपित करेंगे किस पर द्रव की सतह पर और उसी को तो बोला जाता है वाष्प दाब। तो जितने अधिक मात्रा में वाष्प में ये परिवर्तित होंगे उतने ही अधिक मात्रा में उसका वाष्प दाब होगा और इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर जो है वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में वृद्धि होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या तो तीसरा जो है पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा। तीसरा इसे प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा तो पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। देखिए तो यदि हम क्या करते हैं एरिया बनाते हैं एरिया बढ़ाते हैं जैसे कि एक जो है हम ग्लास लेते हैं और गिलास में जो है क्या करते हैं गर्म पानी रखते हैं क्या गर्म जल और यदि हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें जो है क्या करते हैं कि वही गर्म जल रखते हैं। देखिए इसका जो एरिया है इतना है और इसका जो एरिया है इतना है यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है वो बढ़ गया और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया है कम है। तो जब जहाँ पे क्षेत्रफल कम होता है उसके अणु जो होंगे वो क्या होंगे तो उतनी तेजी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। यदि हम यहाँ पे जो है क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो बहुत ही तेज़ी से जो है क्या करेंगे ये जो जल के अणु है वो वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो इसका मतलब क्या है तो यदि हम सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो ताप होता है वो बढ़ जाता है जिस कारण कि वाष्प दाब क्या हो जाता है बढ़ जाता है। यानी कि
एरिया बढ़ाएंगे तो तापमान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका जो वेपर प्रेशर है ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, यदि यदि एरिया कम होगा, यहाँ पे एरिया कम है यानी कि एरिया कम है तो उसका तापमान भी कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये दोनों बातें याद रखनी है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ता है, और क्षेत्रफल यदि कम रहता है तो वाष्प दाब कम होता है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम लोग चौथा, अशुद्धियों का प्रभाव या शुद्ध अवयव का प्रभाव। अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्धियों का प्रभाव या शुद्ध अवयव का प्रभाव। प्रभाव देखिए, जब हम लोग विलयन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को उसमें डालते हैं, और दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो विलयन बनता है। लेकिन विलयन कैसा होता है, तो एक अशुद्ध पदार्थ होता है यानी कि मिश्रण होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे विलायक हम लोग लिए जल, विलायक क्या है तो H2O है, H2O। विलेय जो है क्या है, तो विलेय जो है एथिल एल्कोहल है C2H5OH, और इसको जो मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, विलयन बनेगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और ये विलयन क्या होगा, तो अशुद्ध होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अवयव है विलयन के वे शुद्ध होते हैं, और विलयन जो है एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमें ये जानना है कि अशुद्धियों का क्या प्रभाव होता है या शुद्ध अवयव का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, अशुद्धि की जो मात्रा होती है, अशुद्धि की जो मात्रा होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, तो वाष्प दाब के, वाष्प दाब के। यानी कि जितनी अधिक अशुद्धि की मात्रा होगी उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा, और वाष्प दाब जो है जितना अधिक होगा वह विलयन उतना ही अधिक शुद्ध होगा। यानी कि विलयन जितना शुद्ध उतना ही कम वाष्प दाब, और जितना अधिक अशुद्धि होगा उतना ही कम उसका वाष्प दाब होगा। क्या मतलब कि देखिए यहाँ पे जो है विलायक शुद्ध है, विलायक जो है क्या है, शुद्ध है, और विलयन जो है क्या है, अशुद्ध है। विलयन क्या है, तो अशुद्ध है। यानी कि विलायक का जो वेपर प्रेशर होगा वो अधिक होगा किसकी तुलना में, तो विलयन की तुलना में। यानी कि विलायक का जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब, वह विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये बात याद रखिएगा, इसका उपयोग आने वाला है किस पर, तो कोलगेटिव प्रॉपर्टीज में, यानी कि अणुसंख्य गुण धर्म में। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह विलयन के वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है, सदैव अधिक होता है। और इसी पर जो है राउल्ट ने एक नियम दिया था, और उसी को कहा जाता है राउल्ट का नियम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में, इसलिए राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। द्रव द्रव विलयन चल रहा है, अब हम लोग जानेंगे राउल्ट का नियम। ठीक, तो राउल्ट का नियम, देखिए हम लोगों ने गैस द्रव विलयन में जाना था हेनरी के नियम के बारे में। किसके नियम के बारे में, तो हेनरी के नियम के बारे में। तो हेनरी ने
विलेयता को काउंट करने के लिए अपना नियम दिया था, विलेयता को काउंट करने के लिए अपना नियम दिया था। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम लोग राउल्ट के नियम पढ़ेंगे, यानी कि राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट के नियम में एक जो बात है इसे याद रखना है, क्या? तो राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रव पर ही लागू होता है, यह वाष्पशील द्रव पर ही लागू होता है। यानी कि वाष्पशील द्रव है क्या? वाष्पशील द्रव यानी कि वह द्रव जो वाष्प में परिवर्तित हो, वह द्रव, ये जो विलयन होगा द्रव में ही विलयन होगा, यानी कि द्रव द्रव विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये ऐसा विलयन जो कि वाष्प में परिवर्तित हो, उसे गर्म किया जाए तो वह वाष्प में परिवर्तित हो, इसी पर जो है यह नियम लागू होता है। किसका? तो राउल्ट का नियम। यानी कि इसमें जो है राउल्ट का नियम जो है वाष्पशील द्रव या वाष्पशील विलयन पर ही लागू होता है। तो यहाँ पे हमने बताया क्या, तो यह जो वाष्पशील, तो यहाँ पे हमने बताया क्या कि राउल्ट का जो नियम है यह केवल वाष्पशील द्रव पर ही लागू होता है, केवल वाष्पशील द्रव पर ही लागू होता है, अवाष्पशील द्रव पर लागू नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। तो जैसे कि हम लोग ने जाना कि विलयन है, विलयन है, और यह जो है ए बी विलयन है, क्या है? तो ए बी विलयन है, इसके जो है ए विलेय है और बी क्या है? तो विलायक है। ए विलेय है और बी क्या है? तो विलायक है। अब जो है दोनों, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो विलयन भी कैसा होगा? तो लिक्विड होगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो है विलेय है, ये क्या है? तो विलेय है। ये क्या है? तो विलेय है। ये जो गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो है वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा, और ऊपर से दाब आरोपित करेगा तो वाष्प दाब लगाएगा। ये जो है ए है, क्या है? तो ए। उसके बाद से ये जो है विलायक है, ये जो है क्या है? विलायक है। इसके भी कुछ अणु वाष्प में होंगे, वाष्प अवस्था में होंगे, यानी कि वाष्प दाब आरोपित करेंगे। ये जो बी है क्या है? तो विलायक है। अब जो है ये जो दाब आरोपित कर रहा है ए वाला, इसके दाब को जो है हम पी नाट ए द्वारा प्रदर्शित करें, इसके विलेय के वाष्प दाब को। अब इसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी उसके मोल को जो है हम लोग प्रदर्शित करें, मोल प्रभाज को एक्स ए द्वारा। ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाज है। यहाँ पे जो है ये बी है और यानी कि विलायक है, इसका भी क्या होगा? तो वाष्प दाब होगा पी नॉट बी, और इसका मोल प्रभाज हो जाएगा उसी तरह से क्या, एक्स बी मोल प्रभाज हो जाएगा एक्स बी। इन दोनों को जो है मिलाया गया तो विलयन बनेगा। क्या बनेगा? तो विलयन बनेगा। और ये जो विलयन होगा ये दोनों के संयोजन से होगा, ए और बी के, ए और बी मिलेंगे तो विलयन बनेगा। और ये विलयन कैसा है? तो ए बी है, यही तो है ना, ए बी विलयन। यहाँ पे हमने पहले ही दिखा दिया है ए बी विलयन है। तो इसके जो है ए और बी मिले, यानी कि दोनों वाष्पशील है, यहाँ पे ए भी वाष्पशील बी भी वाष्पशील, यानी कि इस पर भी जो वाष्प दाब आरोपित होगा वो पी नाट होगा, वाष्प दाब जो आरोपित होगा वो पी नाट होगा। तब इसके लिए कुल दाब हो जाएगा पी कुल बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, यही होगा ना, इसका जो है दाब है और इसका जो है दाब है, ये दोनों दाबों का योग जो होगा वो कुल दाब होगा, यानी कि विलयन का दाब होगा। यानी कि इसी को लिख सकते हैं पी सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का दाब
इज इक्वल टू पी जो है विलेय का दाब प्लस किसका, तो विलायक का दाब। इतनी बात आई समझ में? पी सॉल्यूशन यानी कि पी विलेय का दाब और प्लस पी विलायक का दाब, ये हो जाएगा कुल दाब। क्या? तो कुल दाब यानी कि विलेय और विलायक मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। विलयन का कुल दाब जो होता है विलेय और विलायक के दाबों के योग के बराबर होता है। अब देखिए राउल का नियम यह केवल वाष्पशील द्रव पर ही लागू होता है। कहाँ? तो वाष्पशील द्रव पर। तो ये दो केस आते हैं जब जब विलेय व विलायक विलायक दोनों वाष्पशील हो, दोनों वाष्पशील हो तब जो है वाष्पशील द्रव विलयन बनेगा। दूसरा केस आएगा जब केवल विलायक वाष्पशील हो, वाष्पशील हो विलेय नहीं, विलेय नहीं। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे केस वन यानी कि जब विलेय व विलायक दोनों वाष्पशील हो। ले केस वन पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट, जब विलेय जब विलेय भी वाष्पशील हो, वाष्पशील व विलायक भी क्या हो, विलायक भी वाष्पशील हो, वाष्पशील हो। तो राउल का नियम कहता है क्या कि विलेय अथवा विलायक का जो दाब होता है वह उसके मोल प्रभास के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल प्रभास होता है। यानी कि जो विलेय का, मान लेते पी ए, विलेय का दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल प्रभास के यानी कि एक्स है। तो यहाँ पे जो है इस चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें लेना पड़ता है क्या, स्थिरांक। यानी कि हो जाएगा दाब पी ए इजकल टू हो जाएगा पी नाट ए, पी नाट ए एक्स ए। यहाँ पे पी नाट ए क्या है, तो विलेय का वाष्प दाब है, विलेय का क्या है, वाष्प दाब है। उसी तरह से यदि हम विलायक के लिए लें तो पी बी यानी कि विलायक का दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी का, यानी कि ये हो जाएगा क्या, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पी ए क्या है, तो विलेय का दाब है। उसके बाद से पी नॉट ए क्या है, तो विलेय का वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। उसके बाद से एक्स ए क्या है, एक्स ए तो विलेय का मोल प्रभास है, मोल प्रभास। उसी तरह से पी बी इजकल टू क्या है, तो विलायक का दाब। उसके बाद से पी नॉट वी इजकल टू ये क्या है, तो ये जो है विलायक का वाष्प दाब और क्या, तो एक्स बी क्या है, तो विलायक का क्या है, तो मोल प्रभास। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये किस फर्स्ट में बनता है क्या, तो यहाँ पे दो फर्म पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इजकल टू पी नॉट एक्स बी, ये किसके नियम से है, तो राउल्ट के नियम से। तो क्या मतलब, किसी भी विलयन का जो आंशिक दाब है
उस विलयन में उपस्थित शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी विलयन में उपस्थित उस शुद्ध अवयव का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब है ना, कुल दाब तो पी होता है, पी विलयन यही तो होता है ना, पी विलयन कुल दाब, तो ये और ये आंशिक की दाब होगा ना, ये भी आंशिक दाब, ये भी आंशिक दाब, तो क्या मतलब कि उस शुद्ध अवयव का जो आंशिक दाब होता है उसके वाष्प दाब व मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। शुद्ध अवयव का मतलब क्या, शुद्ध अवयव का क्या मतलब, यानी कि विलेय और विलायक, यानी कि ए प्लस बी, यही क्या है, तो शुद्ध अवयव है। तो राउल्ट का नियम कहता है क्या, किसी भी विलयन का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित शुद्ध अवयव यानी कि विलेय या विलायक के वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, किसी भी विलयन का किसी भी विलयन का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उसके शुद्ध अवयवों यानी कि विलेय या विलायक शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब एवं मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी भी विलयन का जो आंशिक दाब का मतलब है क्या, विलेय का आंशिक दाब या विलायक का आंशिक दाब जो होता है उसके शुद्ध अवयव यानी कि विलेय का या विलायक का क्या, तो वाष्प दाब वह उसके मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, आंशिक दाब पी इजिकल टू हो जाएगा क्या, तो वाष्प दाब पी नॉट इंटू मूल प्रभास एक्स। तो यहाँ पे जो है आंशिक दाब हो सकता है पी ए, या आंशिक दाब हो सकता है पी बी, वाष्प दाब जो होता है पी नॉट ए या पी नॉट बी, मूल प्रभास जो है क्या है एक्स ए या एक्स बी। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने राउल्ट का नियम जाना, जैसे कि राउल्ट का नियम में जैसे कि उदाहरण है C2H5OH, इसके लिए कि इस फर्स्ट के लिए क्या है, तो C2H5OH ये जो है क्या है, तो एथिल अल्कोहल है और जल क्या है, तो विलायक है, और इससे जो विलयन बनेगा इसमें क्या होगा, तो ये भी वाष्पशील है और ये भी वाष्पशील है, यानी कि ये जो है इस नियम पर पालन करेगा, विलेय भी वाष्पशील और विलायक भी क्या, वाष्पशील। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो राउल्ट के नियम के सूत्र का निगमन करेंगे, चलिए देख लेते हैं। राउल्ट के
सूत्र का निगमन यानी कि राउल्ट के सूत्र का निगमन हम लोग कैसे करें। तो हम लोगों ने अभी जो है विलेन के बारे में जाना। क्या तो एक विलायक विलेय है, ये विलायक है ए और बी, ये विलेन है और ये भी क्या है तो विलेन है। और इससे जो है बना क्या, ए विलेय है और बी विलायक है, और इससे बना विलेन किस प्रकार का, तो ए बी प्रकार का विलेन बना। अब देखिए इसका मूल प्रभाज है एक्स ए और इसका मूल प्रभाज है एक्स बी, इसका जो आंशिक दाब है पी नॉट ए और इसका जो आंशिक दाब है पी नॉट बी, इसका जो आंशिक दाब है क्या तो पी नॉट बी। अब जो है यहाँ पर पी ए जो होगा, देखिए इसका जो आंशिक दाब हो जाएगा पी ए और इसका जो आंशिक दाब हो जाएगा क्या पी बी, यानी कि जो पी ए है वो विलेय का आंशिक दाब है और जो पी बी है वह क्या है तो विलायक का आंशिक दाब है, विलेय का आंशिक दाब और विलायक का आंशिक दाब। तो विलेयन का कुल आंशिक दाब क्या हो जाएगा, विलेयन का कुल आंशिक दाब, कुल दाब जो हो जाएगा क्या तो पी ए और प्लस पी बी, मतलब कि विलेय का आंशिक दाब और प्लस क्या तो विलायक का आंशिक दाब, यानी कि पी टोटल पी टी इजकल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि आंशिक दाब जो होता है वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्या मतलब, आंशिक दाब जो होता है वह क्या तो वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, राउल का नियम यही कहता है। यानी कि अब जो है हम कंडीशन लेंगे क्या पी ए के लिए, अब जो है क्या करें तो आंशिक दाब पी ए के लिए, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी के लिए हो जाएगा क्या, पी बी के लिए हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो है क्या है इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन फर्स्ट में यानी कि समीकरण एक में पी ए एवं पी बी का मान रखने पर समीकरण एक में पी ए एवं पी बी का मान रखने पर, तो यहाँ पे रखते हैं पी ए एवं पी बी का मान रखने पर, तो पी टी इजकल टू हो जाएगा क्या, पी टी इजकल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इंटू हो जाएगा क्या एक्स बी। ये जो है इक्वेशन सेकेंड हो गया क्या, तो इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है यहाँ पे पी ए और पी बी का मान हमने रखा किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो आ गया पी टी इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब जो है हमें पहले से ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू होता है वन, पहले ही मोल प्रभाज में बताया गया एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू होता है क्या वन, तो यहाँ पे जो है एक्स बी इजकल टू हो जाएगा क्या वन माइनस एक्स ए हो जाएगा। अब जो है एक्स बी का मान
समीकरण दो में रखने पर, रख देते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा, तो पी टी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस इस एक्स बी का मान रखेंगे तो पी नॉट बी इंटू वन माइनस एक्स ए। अब क्या होगा यहाँ पे, तो पी टी इजकल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब जो है ये एक्स ए को एक पास मिलाएंगे तो पी टी इजकल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा ये वाला पी नॉट बी। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो है एक्स ए को कॉमन लेंगे तो पी टी इजकल टू हो जाएगा एक्स ए और हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस पी नॉट बी, प्लस हो जाएगा पी नॉट बी। तो यहाँ पे जो है एक सूत्र का फॉर्मेशन हो गया, एक सूत्र का फॉर्मेशन हो गया पी टी इजकल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी बी, एक सूत्र का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब जो है यही जो ये जो मान है हम लोग एक्स बी इजकल टू वन माइनस ए रखते हैं, तब इसी के लिए हम लोग रख सकते हैं एक्स ए इजकल टू वन माइनस एक्स बी रखा जा सकता है यहाँ पे। तब जो है ये जो समीकरण है, ये जो सूत्र है वो कुछ इस तरह से हो सकता है पी टी बराबर एक्स बी और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस क्या पी नॉट बी, इस तरह से ये सूत्र हो सकता है पी नॉट बी माइनस ये पी नॉट ए होगा पी नॉट ए, ये सूत्र हो सकता है। तो ये दो जो है यहाँ पे इसके लिए सूत्र लागू होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे आंशिक दाब एवं मोल प्रभास के मध्य ग्राफ। आंशिक दाब एवं मोल प्रभास के मध्य ग्राफ, आंशिक दाब एवं मोल प्रभास के मध्य ग्राफ ये क्या होगा, तो हम लोगों ने एक सूत्र का निगमन किया क्या, तो पी टी इजकल टू क्या होता है तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। इस सूत्र के बारे में हम लोग पहले अभी जो है इसका निगमन किए, इसका कंपेयर करें किससे, तो वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें क्या, तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान अधिक है और इसके मान बस दो ही है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं माना एक्स ए इजकल टू वन, मान लिया क्या एक्स ए इजकल टू कितना मोल, तो एक मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स ए इजकल टू वन मोल, तो एक्स बी इजकल टू हो जाएगा क्या जीरो, एक्स बी इजकल टू हो जाएगा क्या जीरो। हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू होता है वन का। यदि हम जो है एक्स ए के स्थान पे वन रख दें तो एक्स बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जो है इस सूत्र को देखें पी टी इजकल टू एक्स ए के स्थान पे वन रखें तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और उसके बाद से प्लस हो जाएगा क्या, तो प्लस हो जाएगा क्या पी नॉट बी। ये जो पी नॉट बी है पी नॉट बी से कैंसिल हो जाएगा तो पी टी इजकल टू हो जाएगा पी नॉट ए। तब जो है हम यहाँ पे इसका जो है क्या करेंगे ग्राफ करेंगे। यदि हम इसी तरह से एक्स बी बराबर, यदि
एक्स बी इजकल टू मान ले 1, तो एक्स ए इजकल टू हो जाएगा 0, एक्स ए इजकल टू हो जाएगा क्या चीज 0, तब इसके लिए हो जाएगा क्या पी टी इजकल टू पी नॉट बी। ठीक, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई दोनों सूत्रों से। तब जो है यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे एक्स ए इजकल टू 1 माने तो एक्स भी इजकल टू 0 होगा, 0 होगा। अब ये क्या है तो वाई एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या पी टी, और मान लेते यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है पी नॉट ए, पी नॉट ए का मान आया, तो पी नॉट ए का मान आया, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से आएगा। पी नॉट ए का मान का ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ये क्या है पी ए, ये जो है दाब जो है क्या है पी ए। उसके बाद से हमने माना एक्स बी इजकल टू 1, तो एक्स ए इजकल टू 0, तो इस परिस्थिति में यहाँ पे जो होगा क्या, और यहाँ पे मान लेते हैं आ रहा है इसका दाब क्या, तो पी नॉट बी, पी नॉट बी, तो इसका वाष्प दाब हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगा क्या तो पी बी, पी बी, और यहाँ से यहाँ तक का जो दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये जो है इस तरह से जो है इसका ग्राफ फॉर्मेशन होगा। आगे की बातें जो है हम अगले भाग में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।